हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे हम छोटे से टुकड़े का रियूज़ करेंगे, 15x9 inches का है। देखिए, ये क्विल्ट करने का आसान तरीका है। नीचे नॉन वन, सेंटर में फॉर्म और सीधी सीधी हमें लाइनें करनी है। अब क्या करना है, इसे फोल्ड करना है। 2x2 inches का बॉक्स बना लीजिए और दूसरी साइड भी आपको बनाना है और इसे कट कर लीजिए। सेम वही तरीके से आप यहाँ पे कट कर लीजिए। तो ये बॉक्स हमने कट कर लिया, उसके बाद यहाँ से राउंड शेप दीजिए और यहाँ से भी बहुत ही प्यारा है, हटके है। 10.5 by 10.5 inches के दो नॉन वन के पार्ट लिए हैं जिसे हमें ऊपर से फोल्ड करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास नॉन वन नहीं है तो आप सिंपल सा कॉटन का अस्तर भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम स्टिच करेंगे ऐसे और सेंटर में स्टिच करेंगे और दो पॉकेट हमारे रेडी हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है वो कट कर लीजिएगा। तो देखिए, एक साइड हमने प्लेटें ली थी और एक साइड ऐसे ही रखा था। 11x2 inches की हमने यहाँ पे ये स्ट्रिप ली है जिसे हमें ऐसे फोल्ड करके हैंडल रेडी कर लेने हैं। तो ये हैंडल रेडी हो चुके हैं, इसे आप यहाँ पे अटैच कर लीजिए। देखिए, इस तरीके से आपको अटैच करना है, बहुत ही आसान है। और आप सीख रहे हो तो इतनी प्यारी प्यारी सी बैगें बना के सीख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पूरे राउंड में जिप अटैच की, फिर हम यहाँ पे प्रेस स्टिच कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब दूसरी साइड हम इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे और फिर प्रेस स्टिच करेंगे। सेम वही तरीका, जिप को ओपन करके हमें ऐसे करना है। देखिए, इस तरीके से आपको प्रेस स्टिच कर लेनी है जिससे क्या होगा, अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। 5x3 inches के ये दोनों के छोटे से दो पार्ट लिए हैं जिसे ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसे ऐसे रख दीजिए और फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे लाइन करनी है। ऐसे रखने के बाद दोनों साइड जहाँ पे हमने सेंटर में कट लगाया है वहीं पे आपको लाइन करनी है। फिर ये छोटे से पार्ट आपको ऐसे रखने हैं, यहाँ से स्टिच करना है। इसे घुमाइए और जो एक्स्ट्रा है वो प्लेट ले लीजिए, फिर ऐसे घुमाते हुए स्टिच कर लीजिए सेंटर में। तो दोनों साइड सेम वही तरीके से हमें करना है। देखिए, यहाँ पे स्टिच करना है, मैं दोबारा आपको समझाती हूँ दूसरी साइड। तो यहाँ पे ऐसे स्टिच करें, फिर इसे यहाँ पे घुमाते हुए सीधा स्टिच करना है, फिर ऐसे घुमाते हुए। देखिए, तो ये हो चुका है इस तरीके से। अब आपको रनर डालना है, पहले नहीं डालना है, अभी रनर डालना है। इस तरीके से रनर डालने के बाद आपको क्या करना है, इसे उल्टा कीजिए और फिर इसे दबाते हुए यहाँ पे स्टिच कर लीजिए ऐसे। तो ये कवर सिलाई हो जाएगी, उसके साथ बाहर भी अच्छे से फिनिशिंग से ये हो जाएगा। और यकीन मानिए, इसमें आप अपने जो सामान है वो इतना अच्छे से रख सकते हैं, इतना सारा सामान इतना मिक्स नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत सारे इसमें पॉकेट बन जाएंगे और देखने में पार्टी वेयर लगेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, वंदे मातरम।